भिवंडी ग्रामीण इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। बता दें कि पड़गा के पास गणेश नगर इलाके में भी घरों में पानी घुस गया, जिसके बाद घरों में रह रहे लोगों को ग्राम पंचायत की ओर से रेस्क्यू किया गया। बता दें कि यहाँ पर रह रहे तकरीबन 250 से 300 लोगों को रेस्क्यू कर ग्राम पंचायत ने सुरक्षित जगह पर रखा है, जिनके खाने और पीने की व्यवस्था भी की गई है। बता दें पूरे इलाके में तकरीबन 50 से 60 घर हैं, जिसमें 40 से 50 घरों में पानी भर गया, जिसके बाद पूरे इलाके में खलबली मच गई। हालांकि ग्राम पंचायत की ओर से सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इन घरों में वास्तव कर रहे हैं, जिन्हें समझा बुझाकर सुरक्षित जगह पर ले जाने का काम ग्राम पंचायत की ओर से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर चल रहे अवैध तरीके से बांध काम और अवैध तरीके से यहाँ पर बनाए गए ब्रिज के चलते गणेश नगर इलाके से गुजरने वाली नदी नाले की दिशा चेंज कर दी गई है, जिसके कारण नाले का पानी पूरी तरह से इन इलाकों में घुस जाता है और लोगों को परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर लगातार पानी भर रहा है, जिसके लिए यहाँ के लोगों ने ग्राम पंचायत में जाकर शिकायत की और ग्राम पंचायत की ओर से तहसीलदार को भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है। साचत नव्हतं, पण हे बाजूचं जे काम चालू आहे ब्रिजचं वगैरे, याने जो नॅचरल स्रोत जो होता पाण्याचा तो वळवल्यामुळे आणि अनधिकृत ब्रिज टाकल्यामुळे ह्या पाणी सर्व ह्या गणेशनगरमध्ये घुसायला लागलं। जेव्हा आमची बॉडी इथे बसली तर आमच्या लक्षात आलं की ह्याच्यामुळे जर जेव्हा इकडे घुसते तर आम्ही त्यांना स्वतः पत्रव्यवहार त्यांच्याबरोबर केलेलं होतं, नरेश शर्मा व संदीप बागल व इतर जण, आणि त्याचे आमच्याकडे कागदपत्र पण आहेत, आम्ही ज्यांना पत्रव्यवहार केलं पण आहेत आणि सर्व हातावर मोलमजुरी करून त्यांचं जीवन ते जगत आहेत। जवळ 300 लोकांना इथे रेस्क्यू केलं आणि ग्रामपंचायततर्फे इथेची सरपंचांनी एक सकाळपासून त्यांची नाश्त्याची सोय आणि जेवणाची सोयसुद्धा केलेली होती। जो वस्तीच्या बाजूने जो तळा हे जातो ओळ जातो तो त्याचा जो नैसर्गिक फ्लो होता तो कमी करून त्याच्यावर स्लॅब टाकलेला आहे आणि त्या स्लॅबच्यामुळं पाणी इतर बाहेर डायरेक्ट वस्तीकडे येतो आणि त्या वस्तीतून पाणी सरळ घरांच्या शिरतो आहे। कारण की हा प्रख्यात कंपनीचा जो कारभार सुरू आहे, कारण की ब्रिज टाकण्याचा तो चुकीचा आहे। मला एवढीच माझी एवढीच विनंती आहे ग्रामपंचायतला, तुम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे पण त्याचा पाठपुरावा तुम्ही करा आणि ते लवकरात लवकर हटवाल याची आम्हाला अपेक्षा आहे। स्टेट न्यूज।